अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेस को, कि आप लोगों को इस तरह के सेंटेंसेस की जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम इस वीडियो में इन जुमलों की इंग्लिश देखेंगे। वो जुमले क्या हैं? जुमले हैं, वक्त तेज़ी से गुज़र जाता है, वक्त तेज़ी से गुज़र जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, तुमने मेरे लिए क्या किया, हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हम इन जुमलों की इंग्लिश देखेंगे, इसके अलावा 20 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जुमले देखेंगे और हम इनकी अंग्रेज़ी करेंगे, ताकि आप लोग इन जुमलों को इंग्लिश में बोल सकें और अपना अच्छा इमेज बना सकें दूसरों के सामने। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है डेली यूज़ इंग्लिश का, जो हमारा पहला सेंटेंस है, तुम लाखों में एक हो। आपको इस सेंटेंस की बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती, किसी अगर तारीफ़ कर रहे हो तो आप उसे कहते हैं कि तुम लाखों में एक हो, यू आर वन इन अ मिलियन, यू आर वन इन अ मिलियन। मिलियन होता है 10 लाख, इसलिए यहाँ पे मिलियन आया, यू आर वन, यू आर वन इन अ मिलियन। दूसरा सेंटेंस है, कोई बड़ी बात नहीं, नो बिगी, नो बिगी, कोई बड़ी बात नहीं। हर दिन एक नई शुरुआत होती है, हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हमारा तीसरा सेंटेंस है, एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग, एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग। चौथा सेंटेंस हमारा है, ये चीज़ यहाँ आई कैसे, ये चीज़ यहाँ आई कैसे। अगर आपने एक चीज़ रखी हो तो वो चीज़ किसी ने हटा कर किसी और जगह पे रख दी हो, तो आप बोलते हैं ये चीज़ यहाँ आई कैसे, हाउ डिड दिस थिंग कम हेयर, हाउ डिड दिस थिंग कम हेयर। हमारा पांचवा सेंटेंस है, उल्टा जवाब देना बंद करो। आप किसी को डांट रहे हों तो कोई बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी आपको उल्टा जवाब दे देता है, तो आप उसे कहते हैं उल्टा जवाब देना बंद करो। इसकी इंग्लिश है, स्टॉप आंसरिंग बैक, स्टॉप आंसरिंग बैक। तुमने, हमारा छठा सेंटेंस है, तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। आप अगर किसी को कहें कि तुमने मेरे लिए क्या किया, व्हाट हैव यू डन फॉर मी, What have you done for me? हमारा सातवां सेंटेंस है, मैं कान खोलकर सुन रही हूँ, मैं कान खोलकर सुन रही हूँ। I am all ears। गौर से सुनने को कहेंगे। अगर कोई आपको आपसे ये कह रहा हो कि गौर से सुनो, कान खोलकर सुनो, इसकी अंग्रेजी है, आई एम ऑल ईयर्स, मैं कान खोलकर सुन रही हूँ। आठवां सेंटेंस है, वक्त तेज़ी से गुजर जाता है, वक्त तेज़ी से गुजर जाता है, टाइम फ्लाइज, वक्त तेज़ी से गुजर जाता है, टाइम फ्लाइज, वक्त गुजर जाता है। अब हमारा है नौवां सेंटेंस है, नौवां सेंटेंस है, ये किसी और से करवा लो। कोई अगर आपको कोई काम कहे तो आपका दिल नहीं कर रहा हो या आपको वो काम नहीं आता, तो आप कहते हैं ये किसी और से करवा लो, हैव समवन एल्स टू डू इट, हैव समवन एल्स टू डू इट, ये किसी और से करवा लो। दसवां सेंटेंस है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डेजी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हमारा अब ग्यारहवां सेंटेंस है, ग्यारहवां सेंटेंस क्या है, ये कुछ कर दिखाने का वक्त है, ये कुछ कर दिखाने का वक्त है। यहाँ पे है नहीं लिखा गया, लेकिन इस जुमला मुकम्मल जुमला है, ये कुछ कर दिखाने का वक्त है, इट्स शो टाइम, इट्स शो टाइम। बारहवां सेंटेंस हमारा है, अच्छे लोग दुनिया को, अच्छे लोग दुनिया को बदल देते हैं, गुड पीपल, गुड पीपल चेंज द वर्ल्ड, अच्छे लोग दुनिया को बदल देते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो तेरहवां सेंटेंस है, तेरहवां सेंटेंस है, तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। इस सेंटेंस की आपको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तारीख गवाह है, हिस्ट्री इज़ विटनेस, विटनेस कहेंगे गवाह को, जो तारीख है इसकी इंग्लिश और हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज़ विटनेस। हमारा जो चौदहवां सेंटेंस है उसकी इंग्लिश क्या है, दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है, मतलब इसका ये मतलब है कुछ गड़बड़ है, कि दाल में कुछ काला है, समथिंग इज़ फिशी, समथिंग इज़ फिशी। हमारा पंद्रहवां सेंटेंस है, आज मौसम अच्छा है, आज मौसम अच्छा है,
अगर बारिश हो, इस तरह का कुछ अच्छा मौसम हो तो आप बोलते हैं आज मौसम अच्छा है, इसकी इंग्लिश है वेदर इज़ नाइस, द वेदर इज़ नाइस टुडे, द वेदर इज़ नाइस टुडे। हमारा 16वां सेंटेंस है मुझे शामिल करो, मुझे शामिल करो। कोई खेल रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई गुफ्तगू कर रहा है तो आप उसे कहते हैं मुझे भी शामिल करो, मुझे शामिल करो। काउंट मी इन, काउंट मी इन। हमारा 17वां सेंटेंस है मुझे थोड़ी देर रुकना होगा, मुझे थोड़ी देर रुकना होगा या मुझे यहाँ पर थोड़ी देर रुकना होगा। आई नीड टू वेट अ बिट, आई नीड टू वेट अ बिट, मुझे थोड़ी देर रुकना होगा। हमारा 18वां सेंटेंस है मैं रास्ते में हूँ, मैं रास्ते में हूँ। आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे, ये सही सेंटेंस है। अगर आप यहाँ पे बोलें आई एम इन द वे तो ये गलत होगा, सही है आई एम ऑन द वे। हमारा 19वां सेंटेंस है बार बार कॉल मत करो। कोई आपको बार बार कॉल कर रहा हो, तंग कर रहा हो तो उसे आप अंग्रेज़ी में इस तरह रोक सकती हैं, डोंट कॉल ओवर एंड ओवर, डोंट कॉल ओवर एंड ओवर, मुझे डिस्टर्ब मत करो, डोंट कॉल ओवर एंड ओवर, मुझे बार बार कॉल मत करो। हमारा 20वां सेंटेंस है मेरे पास तुम्हें कुछ दिखाने के लिए है, मेरे पास तुम्हें कुछ दिखाने के लिए है। आई हैव समथिंग टू शो यू, आई हैव समथिंग टू शो यू।